अच्छा जी, जैसे कि पिछली स्टोरी मैंने आपको बताई थी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ तैयारी करके ठोकर की तरफ, और मैं बस ज़रिए ट्रेन जाऊँगा। और रास्ते में ज़रूरी है कि अभी सुबह का टाइम है, 9-10 बजे हैं, धूप पड़ गई, और पहले पता कर लूँ टाइमिंग क्या है। और रास्ते में स्टे करेंगे और लंच के बाद रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे, वहाँ से आगे ओकाड़ा की ट्रेन का इंतज़ार करेंगे, फिर हम निकलेंगे ओकाड़ा की तरफ। आज से 1 साल पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था, द फोटोग्राफी ब्लॉग। तो उसके अंदर मैंने अपने गांव में कुछ भी जगह के जाके मैंने फोटोग्राफी की थी और मैंने तस्वीरें बनाई थी। तब मेरे पास कैमरा था 1300D, और अब 1 साल के बाद मेरे पास है A6000। और अब दोबारा से फोटोग्राफी करते हैं और दिखाते हैं आपको इस फोटोग्राफी का कमाल कि इसमें कितनी चेंजेस आ गई हैं। और जब से कैमरा लिया इस पर फोटोग्राफी टेस्ट मैंने नहीं किया, मैंने वीडियोस बनाई। और ये भी 1-2 हफ्ते का मेहमान है, इसके बाद मैं चेंज कर लूँगा। जब से ओरिजिनल ट्रेन बनी है रास्ता काफ़ी आसान हो गया। मतलब पहले ठोकर से बसेस पे ही जाते होते थे, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम ओरिजिनल पे बैठ के रेलवे स्टेशन जाते हैं और फिर हम निकलते हैं ओकाड़ा की तरफ। तो सबसे बड़ा मेन मसला यही आता है कि रश भरी जगहों पे ना मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। तो मुझे खुली जगह, कम रश, कम लोग ज़्यादा पसंद है, मैं जाऊँ वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए भी मैंने ट्रैवल का जर्नी डिसाइड की कि मैं ट्रैवल करूँ। और सबसे बेहतर ऑप्शन यही लगा कि मैं लाहौर से अपने घर की तरफ जाऊँगा। चले ना जी, ट्रेन आ रही है, हम निकलते हैं। अच्छा जी, 12:30 हो गए और आज जुमे का टाइम है, और अभी मैं यहाँ पे स्टॉप किया है। यहाँ पे जुमा पढ़ने के बाद हम पार्टी हाउस जाएंगे, वहाँ पे ज़रा रिफ़्रेश हो के पानी शानी पी के वापस निकलूँगा। 2-2:30 बजे मेरे ख्याल है ट्रेन का टाइम है, और अभी चलो चलते हैं फिर आगे मज़ीद देखते हैं कि क्या करना है, सफ़र कहाँ से शुरू करना, कहाँ से ख़त्म करना। अच्छा यार, मैं पहले भी यहाँ से गुजरा हूँ, वो जो अंकल जी हैं बहुत अच्छी शिकंजवी बनाते हैं यहाँ पे GPO के पास। चलें आज इनसे ट्राई करते हैं और निकलते हैं फिर मस्जिद की तरफ, जुमा पढ़ते हैं। जुमे की नमाज़ पढ़ ली है और मैं पहुँचा हूँ पार्टी हाउस, और चाय पी के निकलते हैं फिर आगे ट्रेन की तरफ।
ادب اور تہذیب کسی بھی معاشرے کا ایک اہم جز ہوتی ہے. پارٹی ہاؤس میں بہت ساری ایسی شخصیات جنہوں نے اسی پہ مطالعہ اور ڈبیٹ کی, اور یہاں پہ بہت نامور لوگ آیا کرتے تھے, اور میں بھی اکثر یہاں پہ ہفتہ اتوار کسی بھی چھٹی والے دن آ جاتا ہوتا ہوں. اچھا ٹائم گزر جاتا ہے یہاں پہ, لکھ لیتا ہوں, پڑھ لیتا ہوں. انسان کو جو سا کام اچھا لگتا ہو وہی کرنا چاہیے, کیونکہ اسے ایک لیول آف سیٹسفیکشن آتی ہے. لیول آف سیٹسفیکشن کو بہت سارے معنی دے سکتے ہیں, جیسے کہ مجھے, میں سی اے میں 4 سال میں نے وقت کا ضائع کیا, میرا ایک لیول آف سیٹسفیکشن نہیں تھا. جب میں آرٹ فیلڈ میں آیا ہوں تو مجھے ایک لیول آف سیٹسفیکشن ملتا ہے. ابھی میں واپس پہنچ گیا ہوں جی پی او اسٹیشن سامنے, اور نکلتے ہیں, ٹرین کا بھی ٹائم ہو گیا, اور پہنچتے ہیں پھر ریلوے اسٹیشن, باقی باتیں کرتے ہیں وہاں پہ جا کے.